साल से ये फील्ड में लगभग 8 साल से काम कर रहा था। मैंने आज तक आईसी ये कुछ आइटम ही नहीं काम किया सर। अब अगर आपको मैं कोई से भी आईसी दूँ तो आप निकाल के लगा सकते हो आप बिल्कुल उसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल काम कर सकते हैं। और कोई से भी सीपीयू को रिवॉल्व कर सकते हो आप? हाँ सर। कौन सी स्टेंसिल से? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा कि एसर टेलीकॉम अपने एक नहीं सारे स्टूडेंट से एक जैसा काम करवाता है। क्योंकि इस वीडियो में आज हमारा तीसरा दिन है और मैं ये सब बातें नहीं करूँगा कि देश का पहला, दूसरा, तीसरा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल हम हर दिन का अपना, क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं कि अभी फ़िलहाल हम अपना रिव्यू डालते हैं डेली का। रिव्यू मतलब डेली में हमने क्या क्या पढ़ाया और पूरा हम लाइव दिखाते हैं। अगर आपको लाइव देखना हो तो फेसबुक पर जाके एसर टेलीकॉम सर्च कर लेना। बाकी मैंने लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाली है और ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि तीसरे दिन में हमने BSI, BTHRM, BPH और VS क्या कैसे बनता है, DC to DCAC क्या होती है, सारी इनको चीज़ें इनको बताएं, इनको प्रैक्टिकल करवाया है, इनको BSI के एरर कितने सारे आते हैं, चार्जिंग से ऑन होने के बाद चार्जिंग से ऑफ और बैटरी से ऑन क्यों नहीं हो पाता है, फेक चार्जिंग का क्या सीन है, और बहुत सारे इनको सॉल्यूशंस हमने दिए हुए हैं विद प्रैक्टिकल इनके हैंडसेट पे, और जो हम रिपेयर करके भी इनको प्रैक्टिकली लाइव क्लास में दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में कवर हो रही हैं और वीडियो में ज़्यादातर हमने जो कवर किया है दोस्तों वो है इनका थर्ड डे का फ्रेशर स्टूडेंट। ये सारे के सारे फ्रेशर हैं, इन्होंने किसी ने भी एक ने भी आज तक पावर आईसी पे काम नहीं किया है। एक आध दो ने पावर आईसी पे काम भी किया तो कहते हैं आधा एक घंटा लगता है सर निकालने लगाने में, 10 मिनट में या 15 मिनट में दो दो बार तीन तीन बार लगा के इन्होंने निकाल के इन्होंने वापस लगाई है, और सिंपल ट्रिक से वो भी एसर टेलीकॉम के। तो ये देखिए और उसको देख के ज्वाइन कीजिए एसर टेलीकॉम और बनाइए अपना फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, पूरा देखिएगा। अगर आप आधा देखेंगे तो फिर बाद में आप कॉल करेंगे और फिर पूछेंगे, तो मुझे लगता है कॉल करने से पहले पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए। हर स्टूडेंट की अपनी पर्सनल राय है, हर स्टूडेंट अपने तरीके से कहता है, हर स्टूडेंट हर इंडिया के कोने कोने से है और उसको सुनिए, हो सकता है आपके इलाके से भी कोई स्टूडेंट यहाँ बैठा हो। थैंक यू वेरी मच। तो मैं एक बार सारे स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर किस किस ने आप सुबह पावर आईसी लाइव मोबाइल से निकाल के डन करके दिखाइए, लेकिन सबने कर दिया सर। ठीक है, आज हमने बैटरी कनेक्ट सर और चार्जिंग डीसी टू डीसी है, सबको समझ में आया है कि नहीं? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ 28 अगस्त डे थ्री, 28 अगस्त 2021 डे थ्री के स्टूडेंट है। सवेरे हमारी गाय की क्लास थी, निकालने और लगाने के माउंट और रिबाउंड की क्लास थी हमारी। सवेरे आपने क्या किया? माउंट और रिबाउंड। कौन से हैंडसेट से निकाली आपने? जियो का हैंडसेट से आपने आईसी निकाली और आईसी लगाई। किसने लगाई आईसी? कितनी बार लगाई? दो बार, चार बार, पांच बार। आपने कितनी बार लगाई? चार बार। आपने कितनी बार लगाई? पांच बार सर। आपने निशान? चार बार। आपने? दो बार। आपने? दो बार। आपने? दो बार। आपने? तीन बार। आपने? तीन बार। आपने? पांच बार। आपने? एक बार लगाई सर। सबको समझ में आया ना? यस सर। उसके बाद 12 से 5 6 आपकी किसके साथ क्लास थी? कौन सी क्लास थी आपके साथ? पूरा समझ में आया कि नहीं आया? आपने प्रैक्टिकल करके बताया आपको? यस सर। वो प्रैक्टिकल समझ में आया? यस सर। उसके बाद शाम की क्लास में आपने प्रैक्टिकल किया? यस सर। वो आपको समझ में आया? यस सर। कैसा लगा क्लास आपको? बहुत अच्छा सर। ठीक है, गुजरात से। गुजरात से विकास, कितने समय से आप इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं या मोबाइल फील्ड में? कब से? दो साल से। दो साल से वो फील्ड। तो आईसी निकालने लगाने का काम आपको आता था क्या पहले? नहीं सर, बस केवल चार्जिंग सॉकेट वगैरह लगा, चार्जिंग सॉकेट वगैरह लगाते थे। तो आपने जो आज आईसी लगाई है ये जस्ट लाइक एक चार्जिंग सॉकेट के हिसाब से ही लगाई है ना? जी सर। इससे कोई ज्यादा बड़ी प्रोसेस थी क्या? कोई बड़ी प्रोसेस, बस आपका जो ट्रिक है वही मेन है। चालू कर दिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। रिवॉल्विंग आपकी परफेक्ट हुई 3 दिन में? जी कंप्लीट। आपने 2G 3G 4G सीपीयू तक आपने रिवॉल्व किया है? जी सर। और वो भी यूनिवर्सल स्टेंसिल पे? जी। आज आईसी निकालने और लगाने का भी काम किया आपने? वो भी चालू हैंडसेट पे। चालू हैंडसेट में आप कोई सी भी आईसी को निकाल के लगा सकते हैं? आराम से बिंदास लगा। बिल्कुल लगा सकते हैं जी सर, पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? पूरा कॉन्फिडेंस। क्या बोलोगे कि अगर कोई अगर आपके इधर से आना चाहे? जो भी आना चाहे बिंदास आ सकता है, बस दूसरे जो गलत वीडियो देख के मतलब कन्फ्यूज ना हो, है ना? जी सर। राजस्थान बांसवाड़ा। राजस्थान बांसवाड़ा बोले, जिसके पहले आप सारा काम कर पाते थे कि आईसी वगैरह का? इससे पहले काम तो करते थे, लेकिन जो ये तरीका फर्स्ट टाइम में, शायद ये मुझसे पहली बार डन हुआ है,
क्योंकि यहाँ का जो समझाने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो आप आई थिंक सोच भी नहीं सकते, इतना ईजी तरीका है और इतना प्यारा तरीका है, जिससे आप फर्स्ट टाइम में डन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इलाहाबाद से? इलाहाबाद, 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 प्रयाग, इलाहाबाद कहाँ? प्रयाग, इलाहाबाद, हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने समय से काम कर रहे हो? हमें हो गया लगभग 7-8 साल। 7-8 साल, तो 7-8 साल आप पीसीबी पे काम कर सकते हैं या फिर मोबाइल सेलिंग का काम कर सकते हैं? नहीं, सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत कंपोनेंट वगैरह या तो कनेक्टर वगैरह कर लेते, कनेक्टर वगैरह कर लेते बस। तो आज आप 3 दिन में आईसी निकाल के लगा दी, आपने 4G सीपीयू को रिवॉल्व कर लिया, सब काम कर लिया, तो आपको कैसा फील हो रहा है बताइए? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। 8 साल से वो काम नहीं कर पा रहे? नहीं सर, 3 दिन में आपने काम कर दिया। कोई मैजिक वैजिक करते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी यूनिक ट्रिक होती है जिसके थ्रू बहुत जल्दी एक जैक, जैसे सीसी जैक चेंज होता है उसी थ्रू, उसी के तरीके से आपको एकदम इजी वे में सिखाते हैं कि एमएमसी या तो पावर कैसे चेंज किया जाता है। आपको देव सर की जो क्लासेस हुई है, आपको दो क्लासों का क्लासेस का आपको सौभाग्य मिला, जिनको आप यूट्यूब में सालों से देखते आ रहे थे, तो उनके साथ पढ़ाई का आपका, उनका लर्निंग का, उनका बताने का तरीका कैसा लगा? सर बहुत अच्छा है, यूट्यूब से भी अच्छा है। अभी यूट्यूब में तो 2-4 मिनट की वीडियो रहती है, जिनको अगर सीखना है, कुछ करना है, तो उन्हें एशिया टेलीकॉम आना ही पड़ेगा। और कुछ इस टाइप के जिन्हों, जो हमारे पास कभी पढ़े नहीं है और हमारे पास आके और हमारे यूट्यूब पे उन्होंने गलत वीडियो डाल रखे है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? वो लोग खाली वीडियो ही बना सकते हैं, वो लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं सर। अगर किसी को कुछ हासिल करना है तो यहाँ आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा। वो ऐसा बोलते हैं कि एक व्यक्ति एक हैंडसेट में 200 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा कमा नहीं सकता, या 5 हैंडसेट या 2 एक हैंडसेट से ज़्यादा कभी बना नहीं सकता, तो ये क्या संभव है क्या? तुम बताओ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। जब आप एक आईसी आप 5 मिनट में लगा दिए, तो आपके पास 5 हैंडसेट आईसी के होंगे, तो आप बना नहीं पाएंगे क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बना लेंगे। अगर मैं आपको कोई सी भी आईसी अगर 4G आईसी दे दूँ, तो आप उसको रिवॉल्व कर लेंगे और इंस्टॉल कर देंगे, आप चालू कर लेंगे? यस सर। आपके लिए कोई बड़ी बात है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और ये सब कितने दिन में सिखाया? मात्र 3 दिन में। अगर कोई आपके आपके क्षेत्र से, इलाहाबाद से आना चाहे, यहाँ पर एशिया टेलीकॉम आना चाहे, तो उस स्टूडेंट के लिए आप क्या बोल रहे हैं? जो भी इलाहाबाद से या प्रयागराज से या कौशाम्बी से यहाँ आना चाहता है वो आ सकता है। यहाँ से अच्छा सुविधा, पढ़ाई लिखाई और सिखाने की टेक्निक जो है और कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, आप देख सकते हैं चालू कर दिया। अगर राजस्थान बांसवाड़ा से अगर कोई आना चाहे गुलरेस, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि आप बिल्कुल आइए और अपने आप को मतलब एक परफेक्ट बनाइए। यूट्यूब पे जो बताते हैं तो वो थोड़ा सा फेक लगता हुआ कि यार पहले दिन आए, दूसरे दिन आए और मतलब मोबाइल चालू कर दिया, तो फेक लगता हुआ आप करके कैसा लग रहा है आपको? फेक उनको लगता होगा क्योंकि ये चीज़ हर जगह पॉसिबल नहीं, लेकिन आई थिंक सो मेरे हिसाब से कि एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है। महाराष्ट्र। निशांत, यहाँ से आने से पहले आप क्या रिबोलिंग आईसी निकालना लगाना इसका काम करते थे आप? आपका कौन से दिन की, आज कौन से दिन की क्लास है आपकी? थर्ड डे क्लास है ना? थर्ड डे क्लास में आपने क्या किया है? आईसी रिबोलिंग। जियो हैंडसेट के 4G हैंडसेट में से आईसी निकाल के आपने लगाया है, क्या आपका हैंडसेट चालू हो गया है? हाँ, हो गया सर। ये आपने पहले, इसके पहले करते थे या पहली बार किया? पहली बार किया। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत मस्त। कैसा लग रहा है बताइए आप मेरे को? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कोई, अगर महाराष्ट्र से अगर कोई स्टूडेंट, अगर नवा स्टूडेंट यहाँ पर सीखने आना चाहे या फ्रेशर भी है, आप भी जैसे फ्रेशर ही थे, अगर कोई आना चाहे तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? बिल्कुल यहाँ पर बिंदास आने चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको 3 दिन में क्या मिला ये बताइए? इजी वे सीखने मिलता है, जो चीज़ सिर्फ अपन यूट्यूब पे बहुत टाइम से देखते हैं वो यहाँ पे आके ऐसे सीख जाते हैं, नॉर्मली मालूम भी नहीं पड़ता कैसे सीख रहे करके। महाराष्ट्र से आ गए। महाराष्ट्र से कौन से शहर से आप? अकोला। आज आपके कौन से दिन की क्लास है? आज कितना दिन हो गया? तीसरी क्लास है आज आपकी, ठीक है। तीसरी क्लास में आपने क्या किया है? सर, जियो का 4G मोबाइल की आईसी निकाल के वापस से लगाया आपने, आप चालू करके बताएंगे? थोड़ा बताइए, आपने हैंडसेट चालू कर दिया, ये हैंडसेट की जो आपको प्रोसेस बताइए, आपने खुद से किया है या कोई टीचर ने आके करवाया आपको? नहीं सर, हमने खुद से किया। खुद से किया है? हाँ सर। कैसा समझाते हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया समझाते सर। देव सर का स्किल क्या है, मतलब जो यूट्यूब में है वो यहाँ पे से ज़्यादा है, डबल है कि कम है, ये बताओ? जो यूट्यूब में छोटी वीडियो में दिखता, जो जितना दिखता उससे भी ज़्यादा है। ज़्यादा है, हर चीज़ में आप सेटिस्फाई है देव? यस सर। क्लासेस से, ऐसे क्लासेस से सेटिस्फाई है देव सर? से सेटिस्फाई है सर। कहाँ से? झारखंड। झारखंड, झारखंड रांची? नहीं सर, साहिबगंज जिला। कौन सा जिला है आपका? साहिबगंज।
मैक्सिमम 8 ईयर्स। 8 ईयर्स तो आपका एज क्या है? मेरा एज 20। 20 है, मतलब 12 साल की उम्र से काम कर रहे हो आप? नहीं 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 सर, मतलब शॉप आपकी 8 साल से है। जी सर। तो शॉप कौन ऑपरेट कौन करता था इसके पहले? ऑपरेट मैं डायरेक्टली शॉप करा था। नहीं, जी सर आई सी निकालने लगाने का काम करते थे, मगर हमको आई सी निकालने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता था एक ही पावर इसी को लगाने में सर। अभी जो 15 मिनट में शायद मैं 2 बार लगा दिया सर। 15 मिनट में 2 बार लगा दिया। ये म्यूजिक म्यूजिक कहाँ से आया? ये एशिया टेलीकॉम से आया सर। एशिया टेलीकॉम से आया? जी सर। तो आप कोई फेक रिव्यू तो नहीं दे रहे ना? नहीं सर, अभी जस्ट लगाया ये वाली आई सी। वेरी गुड। कैसा लग रहा है आपको एशिया टेलीकॉम? बेस्ट फीलिंग, बहुत अच्छी लग रही है। कितने दिन हुए आपको? आज तीसरी दिन है। तीसरा दिन है? कैसा जादू सारी का नहीं लग रहा है कि जी सर इतना सब कुछ हासिल कर लिया? जी सर बिल्कुल सर। अगर कोई झारखंड से अगर कोई स्टूडेंट आना चाहे तो? बेझिझक आ सकता है, यहाँ हम लोग यूट्यूब में जितना देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। यूट्यूब में बस चंद चीज़ें देखते हैं हम लोग, अभी जो है यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं। दानिश यूपी ब्लाइंड साइड से। दानिश सरनेम क्या आपके? दानिश चौहान। दानिश चौहान कौन से शहर से हो आप? यूपी बुलंदशहर। यूपी बुलंदशहर, मतलब सडनली आगरा के आसपास हो आप? जी सर। है ना, आगरा से? बहुत बड़ी जगह से हो भाई आगरा से। बहुत इंस्टीट्यूट पढ़ते थे आपके यहाँ पे। एशिया टेलीकॉम क्यों चुना आपने सर? क्या कारण था आप एशिया टेलीकॉम चुनने का? सर एशिया टेलीकॉम बेस्ट है। एशिया टेलीकॉम बेस्ट है इसलिए आए आप यहाँ पे? जी सर। सर मैंने आज तक मतलब आई सी निकाले भी नहीं, नहीं लगाई। अच्छा। और सर आप मतलब 10 मिनट में ही एक आईसी निकाल पावर आईसी निकाल के फोन दी? 10 मिनट में आपने एक पावर आईसी को निकाला भी और लगा भी दिया और फोन ऑन भी हो गया सर। अच्छा। और सर ये कॉन्फिडेंस था कि चेक करने से पहले बता दिया कि आईसी हो गई होगी? ओके हो गई। जी सर। इतनी नॉलेज सर देवरतन सर, सर देवरतन सर ने जो इतना पढ़ाया ना, 3 दिन में सिर्फ 3 दिन में सर पावर आईसी निकाल के लगा दिया। क्या बोलेंगे हमारे सर के लिए आप? सर बेस्ट, मतलब वो एक ऑनर भी है और एक बहुत बड़े टीचर भी है। ऑनर सर कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन ऑनर कोई किसी इंस्टीट्यूट में कोई भी ऑनर पढ़ाता नहीं है, केवल फीस लेते हैं वो। फीस लेने के लिए और मैनेजमेंट के लिए बैठे हैं। देखो सर यहाँ पे मेन लीड करते हैं कि नहीं करते हैं आप बताइए? 5 से 7 घंटे पढ़ाते हैं। 5 से 7 घंटे, क्या कॉन्फिडेंस होता है 5 से 7 घंटे में? मतलब ऐसा होता है, मतलब ऐसा लगता है कि एक ही टीचर मतलब 7 घंटे से पढ़ा रहा है। एनर्जी में कमी दिखती है क्या आपको पहले घंटे में और आखिरी घंटे में 7वें घंटे में? एनर्जी में कमी दिखती है? पावर होती है सर, फुल पावर होती है ना। फुल पावर वही पढ़ा सकता है जो देने के लिए बैठा हो। जी सर। उसी चीज़ में कोई मतलब सिलेक्ट करके बताते हैं क्या? नहीं सर, जिसको नॉलेज होती है वही तो पढ़ा सकता है। तो आपने आज डन किया हैंडसेट? सलमान बैटरी का आपने जो हैंडसेट पे इन्होंने हैंडसेट डन कर दिया है, कैसा लग रहा है आज अशरफ सर? आई एम वेरी हैप्पी। दानिश कैसा लग रहा है? जी सर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। दानिश ये बताओ मेरे को कि अगर कोई अगर बुलंदशहर से आगरा से कोई अगर आना चाहे स्टूडेंट तो? सर ऐसे टेलीकॉम बिजनेस और ये जो यहाँ पे पढ़ के नहीं गया है, कभी देखा नहीं है और उन्होंने फेक वीडियो डाल रखे हैं एशिया टेलीकॉम के खिलाफ, तो क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है क्या बताओ? मैंने भी देखे थे, मतलब फ्रॉड वीडियो देखे थे, फिर मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं ये सोचा कि जाना चाहिए एक बार, है ना। तो जाने के बाद आपका जब आप घर से निकले थे और आज आने के बाद आपका सर सब कुछ फेक था, मतलब जो वीडियो थी सारे फेक थी। क्या लगा आपको बताऊँ? सर बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई नहीं। केवल पे काम कर पा रहे थे? नहीं सर बिल्कुल नहीं। आज कौन सा दिन है आपका? तीसरा दिन सर। तीसरा दिन है, 3 दिन में आपको क्या हासिल किया बादल बताओ? सर वो आईसी निकाल के लगा भी जाए चालू, कोई सा भी हैंडसेट दे दो तो आप आईसी निकाल के लगा लोगे? यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ? कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस? पूरा कॉन्फिडेंस सर। तो इतनी जल्दी सडनली आपने कर लिया, ये मैजिक कैसे हुआ बताइए? सर आपकी वो बेबी ट्रिक की वजह से हुआ, जो बेबी स्टेप्स हमारे होते हैं जो बताने के उसके हिसाब से हुआ। तो आपने 2 दिन देव सर की क्लास ली, कैसा फील किया आपने उनके साथ? देव सर के साथ आपने एक देव सर को आपने खाली वीडियो में देखा था और वीडियो में देखने के बाद रियलिटी में आपने देखा, तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ सर, सही में सर। पढ़ के कैसा हुआ, कैसी एनर्जी रहती उनकी पढ़ाने? बहुत बढ़िया सर। आप अपने जो हैंडसेट चालू किया उसको लॉकडाउन कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। फीलिंग हैप्पी। कहाँ से हो आप? अगरतला त्रिपुरा से। अगरतला त्रिपुरा से, कितने समय से आप काम कर रहे हैं? मैं तो 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। 3-4 साल से काम कर रहे हैं आप? आईसी लेवल पे काम कर पा रहे थे आप क्या? नहीं पहले नहीं किया था। पहले नहीं कर पा रहे? हाँ। और अभी 3 दिन में आपने क्या किया बताइए? हाँ आईसी अभी लगाना बैठाना हो गया आराम से, कम्प्लीट हो गया आपका?
आईसी निकालना बिठाना सब कंप्लीट हो गया आपका तीन दिन में, तो तीन दिन में कैसा संभव है? आप तो झूठ बोल रहे हो, तीन दिन में कोई आठ साल से नहीं, चार साल से, पाँच साल से, आठ साल वाले स्टूडेंट बैठे हैं, आप तीन साल से काम करो, कैसा संभव हुआ तीन दिन में? नहीं, एशिया टेलीकॉम पे एक्चुअली ईजी बताया जाता है कैसे करना है, इसलिए संभव हुआ। बताइए आप, ये आज मैंने किया पावर आईसी निकल के लगाया ऑन सेट, पावर आईसी रिवॉल्व करके वापस लगाया। ये सेट चालू था पहले? हाँ, पहले पहले चालू था। आपने आपकी सेट से आईसी निकाला है और आपको लगाया, ये सेट आपका ही है ना? हाँ। अगर कोई अगरतला से आना चाहे त्रिपुरा से तो क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, आप आ सकते हैं। आ सकता है? हाँ। और ये कुछ ये आपके अगरतला के ही एक एक लड़का है, पागल है, सरफिरा है ना अगरतला का, उसने एक वीडियो डाल रखा है लिट्टू लिट्टू करके, उसने वीडियो डाल रखा है तुम्हारे एरिए का ही, तो वो जब यहाँ आया नहीं है, हमको देखा नहीं है, समझा नहीं है और वीडियो डाल दिया वो लेके, यार वो फेक है इस टाइप से, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? फिर भी तो उनको आना चाहिए इधर, है एक बार प्रूफ के लिए आना चाहिए। उस व्यक्ति को क्या बोलोगे आप? एक बार आना चाहिए इधर उस व्यक्ति के लिए, क्या बोलोगे आप? वो गलत गलत कर रहा है, सही कर रहा है? नहीं, गलत कर रहा है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से। एज क्या है तुम्हारी? 18 18 साल। यस सर। 18 साल की उम्र में आप, एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े हो? मैं 10th तक सर। 10th तक पढ़े हो? 10th तक पढ़ने में 15 साल की शायद एज होना चाहिए जब आप 10th में सर्वाइव करते हो, है ना? यस सर। उसके आगे पढ़ाई नहीं की आपने? नहीं सर। अच्छा, ये मोबाइल प्रोफेशन में कब से हो आप? मैं 2 साल से। 2 साल से हो। इसके पहले 2 साल के जब आप शॉप पे थे तो आप क्या करते थे वहाँ पर? डिस्प्ले इधर। तो शॉप खुद की है या दूसरे की? दूसरे की सर। दूसरे की शॉप पे आप काम करते? काम करते। अच्छा, तो आज अभी आपने तीन दिन में क्या क्या कर लिया बताइए आप? पहले दिन तो रिबॉइलिंग कर दिया। अच्छा। ईएम सी रिबॉइलिंग कर लिया। अच्छा। सेकंड दिन में तो सीपीयू रिबॉइल कर लिया। हाँ। तीसरे दिन में सीपीयू निकाल के रिबॉइल करके बिट बिठा के ऑन कर लिया। आप क्या देख के, मतलब एशिया टेलीकॉम में आपकी एंट्री कैसे हुई? यूट्यूब देख के सर। यूट्यूब में किसको देखते थे यूट्यूब में? देवरत्न अग्रवाल सर। देवरत्न अग्रवाल सर को? यस सर। तो कितने वीडियो देखे होंगे सर के आपने? बहुत देखा सर। बहुत वीडियो देखा? बहुत। और उनको वीडियो में देखा और रियल में देखा तो कैसा लगा आपको? बहुत हैप्पीनेस आ गई सर। हैप्पीनेस आ गई? यस सर। और उनके साथ पढ़ते कैसा लगा आपको? एकदम बढ़िया सर। आज आपने आईसी लेवल पे काम किया तो बताइए आप। यस सर। बताइए आपको क्या किया? आप देख सकते हैं, आई सैल्यूट फॉर दिस एज पर्सन, इसको सैल्यूट करने को मन करता है। ये जो समय होता है अपने पेरेंट्स के साथ टाइम एक्सपेंड करने का समय होता है, पढ़ने लिखने का समय होता है, घूमने का समय होता है, दोस्ती यारी करने का समय होता है। आई विश कि आप इस फील्ड में बहुत तरक्की करोगे, है ना? आप तीसरे दिन में आपने आईसी 3G 2G 4G आईसी को रिकॉल किया है। आपकी आईसी की क्लास थी आज 8 बजे, हमारी क्लास स्टार्ट हुई। अच्छा। जैसे आप टाइम देख सकते हैं अभी 10:30 को आपने आईसी लगा ली थी। अच्छा। रिव्यू करने में आपका टाइम मतलब लेट हो गया हूँ आने में, आधे घंटे पहले आप आईसी लगा के बैठे हो। अच्छा। है ना? अच्छा। तो आपके अच्छे फ्यूचर के लिए मैं कामना करता हूँ कि आपका बहुत बढ़िया फ्यूचर हो, आप इस फील्ड में बहुत तरक्की कर सकते हैं क्योंकि आपकी एज कम होगी। थैंक यू। है ना? अच्छा। और आप ऐसे ही काम करते रहे, कैसा लग रहा है आपको? वेरी हैप्पी सर। वेरी हैप्पी? दिल से बोल रहे हैं आप? दिल से सर। क्या बोलना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम के बारे में? बेफिक्र आ सकते सर। और अगर कोई आपके हैदराबाद साइड से अगर कोई स्टूडेंट आना चाहे तो आ सकते सर? असल उसमें क्वेश्चन ही नहीं सर। क्वेश्चन ही नहीं? क्वेश्चन ही नहीं। कैसा सिखाते हैं यहाँ पे? ईजी टेक्निक में, बेबी स्टेप से। ओके। कौन सा दिन है आज हमारा? सर तीसरा दिन। तीसरा दिन है। कहाँ से हो? आपका नाम बताइए। झारखंड से। झारखंड से। नाम क्या है आपका? बापी रही सर। बापी, झारखंड। झारखंड बेसिकली झारखंड से कहाँ से हो बापी? सर दुमका जिला से। दुमका जिला से। अच्छा, तो आपकी दुकान है क्या? जी सर। काय की दुकान है? मोबाइल की। मोबाइल की। कितने समय से आपकी दुकान? 7 साल से। 7 साल से इस फील्ड में आप 7 साल से हो? तो आपकी 7 साल से दुकान है, तो आप इस टाइप का काम कर रहे थे क्या आप? नहीं सर। जैसे आईसी लेवल का है या इस टाइप से? सर नहीं कर रहे। अच्छा, आज आईसी लेवल का आपने आज ही हमारी क्लास थी आईसी निकालने और लगाने की, तो कितनी देर में आपने काम डन कर दिया? 20 मिनट में सर। 20 मिनट में काम डन कर दिया आपने? आपने चालू सेट, ये क्या था आपके एंड सेट की स्थिति क्या थी? ऑन सेट थे। ऑन सेट था। ऑन सेट में से आपने क्या किया? पावर निकाल के। पावर निकाला, रिवॉल्व करके, रिवॉल्व करा, फिर ऑन किया सर। फिर ऑन किया। तो ऑन करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सर, बहुत खुश हो रहे हैं सर। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा सर। है ना? बहुत अच्छा। तो बताइए, आपने जो ऑन कर सेट ऑन किया है वो ऑन हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड।
तो बाकी क्या बोलना चाहोगे एशिया टेलीकॉम के लिए आप? सर एकदम आ सकते हैं सर, जिसको परफेक्ट होना है सर, एशिया टेलीकॉम एकदम परफेक्ट है सर, परफेक्ट होने के लिए सर यहाँ आना चाहिए सर, यहाँ आना चाहिए। यस सर। आपने देव सर को फॉलो करके यहाँ आए हैं आप, yes, आपका आने का माध्यम क्या था? सर यूट्यूब में वीडियो देखे सर, वीडियो देव सर को, yes, और देव सर को जब आपने रियलिटी में देखा, साक्षात्कार देखा आपने, तो आप आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। पढ़ाने के तरीका कैसा? बहुत अच्छा सर। कैसा पढ़ाते हैं आप? बहुत अच्छे सर। एनर्जी की बात करूँ तो? बहुत अच्छी एनर्जी है सर। कितने घंटे सतत पढ़ाते हैं? पाँच घंटे सतत पढ़ाते हैं, एक एनर्जी में पढ़ाते हैं। ऐसा होता है कि मतलब जो 12 बजे एनर्जी होती है और जो शाम को 5 बजे होती है, दोनों में कुछ कमी आती है? नहीं सर, एकदम कमी नहीं सर। ठीक है। एक एक कंपोनेंट का नॉलेज आपको डीप में मिला कि नहीं मिला? यस सर, मिल गया सर। अभी आप ये काम करके, ये जो आपने काम किया है, आप काम करके खुश है कि नहीं? एकदम खुश है सर। ठीक है, अगर कोई आना चाहे स्टूडेंट आपके उधर से, तो झारखंड से? एकदम सर आ सकते हैं, जिसको परफेक्ट होना है एशिया टेलीकॉम एकदम बेहतर है, बहुत अच्छे से बेबी स्टेप्स में सिखाते हैं सर, बहुत परफेक्ट हैं। राजेश कहाँ से हो आप? गोरखपुर। गोरखपुर। राजेश कितने समय से आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में? पाँच छः साल से। आई सी लेवल पर काम कर पा रहे थे राजेश क्या? जी थोड़ा बहुत काम कर पा रहे थे। तो उसमें और इसमें कुछ फ़र्क है आपको? बहुत फ़र्क है सर। आपने कितनी देर में आई सी निकाल के लगा ली इसके अंदर? सर मैं तो दो बार लगा चुका हूँ। जी तो कितनी देर में लगा ली आपने? दस मिनट में दो बार लगा ली। आप थोड़ा अपना हैंडसेट चालू करके बताएंगे, शायद आपके सर मेरा एलसीडी डिस्प्ले में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन सेट चालू है। बताइए हमें सारा चीज़ आ रहा है। बताइए। ओके। जैसा आप देख सकते हैं मार्केट पे रेडी कर रही है। राजेश बताइए आपको कैसा फील कर रहे हो यहाँ काम? बहुत अच्छा है सर। कितने दिन की क्लास हुई आपकी? सर 3 दिन हुआ अभी। तीन दिन में आपने बहुत कुछ किया यहाँ? बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, और क्या बोलना चाहेंगे अगर आप? सर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गलत वीडियो डाल रहा है तो सही नहीं है, कृपया आप यहाँ आके देखें और सोचें और समझें, उसके बाद आप जो आपको समझ है वो करें। अच्छा, ऐसे लोगों के खिलाफ़ क्या होना चाहिए? सर या मेरे को मतलब गलत हो रहा है, मतलब जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, है ना? आन हो गया सर, जैसे आप देख सकते हैं ये आन हो गया है। जी, और मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ़ क्या होना चाहिए जो हमको कभी देखा नहीं है, करा नहीं है, और हमारे खिलाफ़ बिना कारण के? सर ऐसा बदतमीजी तो नहीं करना चाहिए, पहले देखना चाहिए, उसके बाद जो आपको समझ करना चाहिए, या तो वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे हैं कि हमको सीखना है, वो गलत कर रहा है, या कंप्यूटर होना चाहिए कि सीखना है हमको, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जितेंद्र कुमार कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। जितेंद्र कुमार तुम किस फील्ड से थे? पहले कुछ भी नहीं था। किस फील्ड से थे, क्या करते थे इसके पहले? कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं करते, मतलब काम धंधा ऐसे दूसरा वर्क करते, दूसरा काम करते थे। मोबाइल फील्ड में सीधे डायरेक्ट आप इंस्टीट्यूट आए हो? जी। आज तक आपने SMT पकड़ी थी? नहीं सर। स्क्रू ड्राइवर पकड़ा था कभी? नहीं सर। डायरेक्ट यहाँ आके काम किया? जी। आज पहले दिन आपने क्या किया सर? पहले दिन की बात करें तो IC को रिकॉल किया सर। IC को रिकॉल किया। फिर दूसरे दिन क्या किया? MMC भी रिकॉल किया। MMC को पहले दिन MMC को रिकॉल किया, और सेकंड दिन क्या किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से CPU को रिकॉल किया। और आज क्या किया आपने? हाँ सर, पावर IC को लाया। भाई लोग दुनिया झूठ बोल रही होगी, मतलब समझ रही होगी कि आप मतलब दूसरी फील्ड से हो और आ क्या सीधे आ जाए 3G 4G और IC पे आप काम कर रहे हो और मोबाइल चालू कर रहे हो, आप 4G मोबाइल चालू कर रहे हो, तो दुनिया को फेक लग रहा होगा भाई ये तो। स्पीड से कहीं नहीं आप, और 3 दिन में इतना सब कुछ कर लिया आपने। सर एशिया टेलीकॉम का सर मतलब सिखाने का तजुर्बा जो है सर अलग है। जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हो आप? नहीं सर। झूठा तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। ये हैंडसेट किसने चालू किया? हमने चालू किया। बताओ चालू करके। चालू है सर। वेल डन, एक बार क्लैपिंग कर दो भाई इनके लिए, ये फ्रेशर स्टूडेंट है इस फील्ड के। क्या बोलना चाहेंगे अगर आपके कोई स्टेट से कोई आना चाहे या आपकी जगह से? बिंदास वो अपना आए हैं सर। बिंदास आना चाहिए। जी जी, अगर कुछ सीखना है तो फिर एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना होगा सर। दिल से बोल रहे हो? दिल से सर। राजीव सिंह कहाँ से हो आप? बिहार से हैं सर। बिहार से। राजीव सिंह कितने साल से काम कर रहे थे आप? काम तो सर हम 10 साल से लगभग कर रहे हैं सर। 10 साल से काम कर रहे थे जी। तो तीन दिन और 10 साल की बात करें तो क्या फ़र्क है? बहुत का फ़र्क है सर। पहले तो ये नॉलेज भी नहीं था क्या है, नहीं सिर्फ जानते थे IC है, लेकिन अब पता चला सर IC भी होता है, कंपोनेंट भी होता है, रजिस्टर्ड भी होता है।
कैपेसिटर भी होता है, कॉइल भी होता है, बहुत सारा पता चला कंपोनेंट के बारे में। आप किसको देख के आए थे? देवेंद्र सर को देख के आए थे। तो देव सर के साथ में आपने क्लास में जो समय एक्सपेंड किया, दो क्लास की आपने जी देव सर के साथ, तो कैसा फील हुआ आपको? अच्छा। किसी को आपने यूट्यूब पे देखा था और यूट्यूब के बाद आपने साक्षात्कार उनके साथ में आपने पढ़ने का, आपको तो कैसा लगा? अच्छा लगा सर, और अच्छा पढ़ाए सर, जो सोचे जितना सोचे उससे भी अच्छा पढ़ाए सर, और ये रिवाइज कर करके जो आज बताते हैं उसको 5 बार 6 बार रिवाइज करते हैं सर। आज आपके क्लास में ये जियो का फ़ोन है सर, 4G, इसका सर पावर आईसी हम चेंज किए हमने। अबे मोहन कहाँ से? महाराष्ट्र से, नासिक से। महाराष्ट्र नासिक से, आज क्या किया आपने? सर ये सीपीयू निकाला और पावर आईसी निकाला चालू फ़ोन का, और वापस बिठाया फ़ोन चालू करके। आपको चालू करके सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इसके पहले कर पा रहे थे आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं कर पा रहे? नहीं बिल्कुल। अगर कोई आपके शहर से आना चाहे तो क्या बोलेंगे आप? सर बेदिक्कत आ सकता है सर वो। तो जो कुछ पढ़ा रहे हैं आपके बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सर। कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा, आज मोबाइल चालू करके कैसा लगा सर? मतलब आज तक हमने, मैं ये साल से ये फील्ड में लगभग 8 साल से काम कर रहा था, मैंने आज तक आईसी ये कुछ आइटम ही नहीं काम किया सर। अब अगर आपको मैं कोई से भी आईसी दूँ तो आप निकाल के लगा सकते हो आप? बिल्कुल उसको सर, बिल्कुल काम कर सकते हो। और कोई से भी सीपीयू को रिवॉल्व कर सकते हो आप? हाँ सर। कौन सी स्टेंसिल से? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। अड़िया बिहार, बिहार से हूँ सर। बिहार से हो? जी सर। बिहार से। कितने समय से इस फील्ड में हो? 7-8 साल से है। 7-8 साल से आईसी लेवल पे काम कर पा रहे थे आप? नहीं, थोड़ा मोड़ा करते तो थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का लॉक में थोड़ा सा। मतलब जो स्पीड से आज आपने काम किया ये तो कर पा रहे थे, ये वाला काम कर पा रहे थे आप क्या? नहीं कर देते। कैसी समझाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है सर। टीचर का नॉलेज कैसा? दूसरे इंस्टीट्यूट से तो बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट में है ना ओनली थ्योरी पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। अच्छा, कहीं से हो गया है आपका अनुभव है इसके अंदर? जिसे हम बताते हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, नाम नहीं क्या बताएं। आपको कंपेयर कर रहे हो, आप उनको हमसे कंपेयर कर रहे हो, तो उनमें और हमारे में क्या फर्क है? बहुत अंतर है। मतलब अनुशासन है कि नहीं क्लास? जी सर। एक जो टीचर और एक स्टूडेंट का जो बीच में जो गैप होता है, तो उस चीज को आपने महसूस किया कि नहीं यहाँ पे? बहुत। अनुशासन कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा। देव सर का खंड के बारे में क्या बोलोगे आप? बहुत अच्छा। देख के आए यहाँ? आए बहुत अच्छा। उनका थ्योरी तो बहुत अच्छा है। अच्छा, थ्योरी के साथ ऐसा करते हैं कि खाली थ्योरी बताते हैं, कुछ चीज़ का वो प्रैक्टिकल भी कराते हैं? प्रैक्टिकल तो उसके बाद होने, थ्योरी होने के बाद प्रैक्टिकल यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप खुद अपने आप से करते हो? जी जी। तो 3 दिन की क्लास में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी क्लास को क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। आज आपने क्या काम किया सर? जियो का पार्ट आई सी बेहिजक आए यहाँ पे सीखे, 100% सर काम सिखाएंगे। करिए। कहाँ रहते हो सर? उड़ीसा। धाम उड़ीसा। उड़ीसा में रहते हैं। सुंदरिया क्या करते थे इसके पहले आप? आपका शॉप वगैरह? मोबाइल का शॉप था। मोबाइल का शॉप था? मोबाइल का शॉप था। तो कितने समय से आपका मोबाइल का शॉप? 3-4 साल से। तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस ले और आज 3 दिन का एक्सपीरियंस ले, तो आपने 3-4 साल में और आज में क्या फ़र्क है? इसके आईसी लेवल पर आप काम कर पा रहे थे? जी सर। तो फिर 3 दिन में सडनली कैसे कर दिया आपने? 3-4 दिन से तो काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, जो भी है काम ठीक है। तो कैसा बता रहे हैं यहाँ पर? ऐसे काम कर रहे हो? मैं तो अभी आधे घंटे में बना दिया। आधे घंटे में बना दिया? जो काम आप 7-8 साल से नहीं कर पा रहे थे वो आप आधे घंटे में डन कर दिया? ठीक है, चालू करके बताइए। आपका हैंडसेट पूरा चालू हो गया है? अगर कोई आना चाहे तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए? बेहिचक हो से आना चाहिए उसको। गणेश कुमार, कहाँ रहते हो आप? सर यूपी। यूपी? जी। यूपी में रहते हो? कितने साल से काम करो गणेश? सर पहली बार। पहली बार? जी सर। तो पहली बार ही आए आप, सीधे यहीं पे आए हो? जी सर। इसके पहले कुछ भी नहीं करते थे? नहीं, कुछ नहीं। फ्रेशर हो इस फील्ड में पूरे? एकदम फ्रेशर सर। तो आपने जो 3 दिन की क्लास हुई, 3 दिन की क्लास में क्या किया आपने? सर बहुत कुछ किया सर, ये सर सीपीयू रिवॉल्विंग, एजेंसी रिवॉल्विंग सर। अच्छा, और आज काय की क्लास थी आपकी? ये सर पावर आईसी सर। पावर आईसी? तो ये पावर आईसी तुमने लगाई है खुद से या कोई टीचर ने लगाई है? नहीं सर, मैंने लगाई है। रिवॉल्विंग किसने की है? मैंने की सर। और आईसी निकाली किसने? मैंने निकाली। और लगाई किसने? मैंने लगाई। और चालू करके बताओ फिर। कैसा लग रहा है आपको? एक डेड मोबाइल को आपने चालू मोबाइल में से आईसी निकाली, आईसी निकाल के डेट किया आपने, डेट करने के बाद फिर ऑन किया, ऑन करने के बाद कैसा लग रहा है? आप कोई सी भी आईसी रिवॉल्व कर सकते हो आप? जी सर। कौन सी स्टेंसिल से? यूनिवर्सल से है ना। और कोई सी भी आईसी निकाल के लगा सकते हो आप? कोई सी भी सर। कितनी देर में?
सर 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बस। ठीक है, अगर कोई आपके इलाके से आए या क्षेत्र से या आपके शहर से या आपके गांव से आना चाहे तो क्या बोलेगा? आ सकता है सर, बेझिझक आ सकता है। बेझिझक आ सकता है। संतोष कुमार, कहाँ रहते हो आप? बांदा, उत्तर प्रदेश। संतोष, उत्तर प्रदेश से आए हो आप, इसके पहले आप आईसी लेवल का काम करते थे? नहीं सर, मैं नॉर्मल काम करता रहा, मैं चार्जिंग ड्राइवर वगैरह चेंज कर लेता था, पर आईसी का काम नहीं कर पाता था। आईसी का काम नहीं कर पाते थे। आप किसको देख के ऐसे टेलीकॉम आए? यूट्यूब में। किसको देखा आपने यूट्यूब में? सर को देखा। नाम बताइए उनका। सर का नाम देवरतन अग्रवाल सर को देखे। अग्रवाल सर को, देवरतन अग्रवाल सर को देख के आए आप जी? आप उनको यूट्यूब में देखा और फिजिकल में आपने उनके साथ में क्लास में जो यूट्यूब में देखा वो यहाँ पर देख रहा हूँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, राइट राइट। हमारे खिलाफ वो एक लड़के ने फेक वीडियो डाल रखा है, क्या बोलेंगे उसके लिए? सही है सर, ये गलत है, ये आके पहले चेक कर ले, देख लें यहाँ पर कि क्या हो रहा है, उसके बाद किसी के बारे में करना, ये क्राइम है ना? गलत है, गलत है ना ये? जी जी बिल्कुल गलत है जी, गलत है ना? आप किसी को जज किए बिना उसको बारे में कुछ भी बात बोल रहे हो और वो भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो, गलत है ना? गलत है सर। ठीक है, आज की क्लास में क्या किया आपने? सर मैंने पावर आईसी निकाल के दोबारा रिवॉल्व कर लिया दो बार। बताइए सर, उनका इंफेक्ट चालू हो गया, क्या बोलना चाहोगे संतोष? अगर कोई आपके क्षेत्र से आना चाहे, जो आपका आना चाहता है वो बिंदास आया सर। शेख जी सर, कहाँ से? झारखंड रांची। नहीं सर, साहिबगंज जिला। कौन सा जिला है आपका? साहिबगंज। कितने टाइम से काम कर रहे हो? मैक्सिमम 8 ईयर्स। 8 ईयर्स, तो आपका एज क्या है? मेरा एज 20 है, मतलब 12 साल की उम्र से काम कर रहे हो? नहीं सर, मतलब शॉप आपकी 8 साल से? जी सर। तो शॉप कौन ऑपरेट कौन करता था इसके पहले? ऑपरेट मैं डायरेक्टली शॉप करा था। नहीं, पावर चेंज लगा लो। अच्छा, तो आईसी निकालने लगाने का काम उसके पहले आप कर पा रहे थे? जी सर, आईसी निकालने लगाने का काम करते थे, मगर हमको आईसी निकालने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता था एक ही पावर इसी को लगाने में सर। अभी जो 15 मिनट में शायद मैं 2 बार लगा दिया सर। 15 मिनट में 2 बार लगा दिया। म्यूजिक कहाँ से आया? ये एशिया टेलीकॉम से आया सर। एशिया टेलीकॉम से आया? जी सर। तो आप कोई फेक रिव्यू तो नहीं दे रहे हैं ना? नहीं सर, अभी जस्ट लगाया ये वाली आईसी। आप चालू करके बता सकते हैं ये वाली? यस सर, बताओ। वेरी गुड, कैसा लग रहा है आपको एशिया टेलीकॉम? बेस्ट फीलिंग, बहुत अच्छी लग रही है। कितने दिन हुए आपको? आज तीसरे दिन है। तीसरा दिन है, जादू सर लग रहा है कि जी सर, इतना सब कुछ हासिल कर लिया हमने। जी सर बिल्कुल सर। अगर कोई झारखंड से अगर कोई स्टूडेंट आना चाहे तो? बेझिझक आ सकता है, यहाँ हम लोग यूट्यूब में जितना देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। यूट्यूब में बस चंद चीज़ें देखते हैं हम लोग, अभी जो है यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं। तो बताइए क्या कर रहे हैं आज? रिबॉल किया हमने। नहीं, क्या था आज का टास्क? क्या आज क्या कर रहे? आज का टास्क का सीपीयू निकालना और वापस लगाना, चालू हैंडसेट का सीपीयू निकालना। आपने निकाल के लगा लिया? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है। आप क्या कर रहे हो? वही पावर आईसी रिबॉलिंग कर। चालू फोन था? यस सर। अभी कर रहे हो आप? आपका सर चालू फोन से पावर आईसी निकाल के? जी सर चालू हो गया वापस? जी सर चालू। चलिए ठीक है। आपका भी ऑन हो गया था एक बार? जी सर। दोबारा? हाँ सर, हम दोबारा यूज कर रहे हैं सर। अच्छा, ये दूसरा फ़ोन है? जी सर। पे कर रहे हैं आप? जी जी जी। एक चालू हो गया कि बंद कर दिया आपने? नहीं सर चालू है। ओके, 100% चालू है। ओके, ये इससे पहले कभी काम करते थे आप? जी नहीं। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। जी देख सकते हैं, इन्होंने निकाल दिया, कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं है और सारी चीज़ें ये खुद ही कर रहे हैं। ऑन हो गया? क्या बात है, हमारे लिए। मैं दिखा दूँ सर? दिखा देता हूँ। नहीं, वो तो आपका वीडियो बन रहा है, तो लाइव हम ले रहे हैं। लाइव ले रहे हैं? हाँ। दिखा देते हैं। चालू कर दिया तुम? नहीं सर, हमारे एक बार लगाए हैं। चल रहा है आपका? कोई बात नहीं, मेक प्रैक्टिस करना। तुम्हारा चालू हो गया भाई? हमारा भी हो गया। अरे इसके लिए ताली बजा दो यार।
भाई ये देखो हमारे बीच में बच्चा है, बहुत छोटा है। अभी अगर सही मायने में देखी जाए तो इनकी स्कूल जाने की उम्र है, मतलब 18 साल ये मतलब 12th का स्टूडेंट होता है और उस एज में अपने आप को इस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में डाल रहा है वो। बैठो, चालू हो गया? चालू सही गया। है कैसा लग रहा है अभी? हैप्पी है सर। हैप्पी है, चलो। किसी ने हेल्प की क्या? की सर। आपका यस सर हो गया? यस सर हो गया। निशान बैटरी देखो ना, दो चालू वाली बैटरी है, बैटरी चलो ठीक है। सर वेट करो, अभी नहीं, अभी वेट करो। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। गुड मॉर्निंग अर्जुन प्रजापति। क्या नाम है आपका? सलमान खान। कहाँ से सलमान? क्या कर रहे हो? आईसी लगा रहे हो? हाँ अर्जुन, सीपीयू ऑन कर रहे हैं सारे स्टूडेंट जैसे आप करते थे। लगा दिया? लगा रहे हो? लगा रहे। तो जो आपने आईसी निकालने लगाने का और रिपोर्टिंग करने का काम किया है, आज 3 दिन में डन किया है आपने, तो कैसा फील कर रहे हो आईसी निकाल के लगा रहे हो और हैंडसेट चालू करके? लाइव हैंडसेट था आपने, हैंडसेट आप एक चालू हैंडसेट से आईसी निकाली और डबल से आपने लगाई, ये हैंडसेट किसका है? आपका खुद का है? बिल्कुल शांतु, बिल्कुल सीख सकता है। यहाँ पे देख सकते हो 18 साल का स्टूडेंट है और इन्होंने फर्स्ट टाइम पे सीपीयू को उसकी पावर आईसी को निकाल करके चालू कर दिया है, जो कि वो एकदम 18 साल बहुत कम एज का लड़का है, तो बिल्कुल फ्रेशर है वो। क्या हो रहा है? ऑटो रीडिंग, ऑटो एम पे चालू हो गया? नहीं हुआ, फिर से करिए, फिर से निकालिए। क्या बोलना चाहेंगे आप के बारे में? आपका क्या हुआ, चालू हो गया? निकाला था इसका पावर? हाँ। करके दिखाइए, ये ऐसा तो नहीं है फेक है, कोई दूसरा फोन आपने चालू कर दिया? नहीं, जो फोन था वही फोन चालू, जो फोन था वही चालू किया आपने, सही बता रहे हो। आप कौन? नहीं हुआ, चलिए ठीक है, उसको फिर से क्या हो गया, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है? चलिए ठीक है, कॉम्प्लेंट को भी चेक करते हैं। फोटो लिया था ना आपने? आपका भी चालू हो गया? ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, खुद अपने इसकी है। सच बोल रहे हो? जी सर। चेहरे की स्माइल ही बता सकती है कि इन्होंने किया है कि नहीं किया है। वेरी गुड। अब कोई इसी का भी पावर दिया जाए, लगा लोगे निकाल के? आराम से, कोई भी लगा लेंगे। आपका हो गया सर? हो गया ऑन? फर्स्ट टाइम है? कितनी बार में ऑन हुआ? सेकंड टाइम है सर। सेकंड टाइम है, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो भी है फेक नहीं है, जेनुअन है, मतलब सेकंड टाइम में ऑन हुआ। फर्स्ट टाइम में क्या दिक्कत हुई थी सर? वो ऐसे सही से लगी नहीं, ऐसे सही से नहीं लगी थी। सेकंड टाइम में क्या जॉब डन हो गया? मैजिक कहाँ से आया है? एक बार चालू करके दिखा दो। वेरी गुड। आपका? आप चालू करके बता सकते हैं? अच्छा कर रहे हैं आप, चलिए लाइव ही देख रहे हैं किनका हुआ कि नहीं हुआ, देख सकते हैं लाइव। बैटरी ले लीजिए, बैटरी से ऑन करिए। आपका भी ऑन हो गया? क्या बात है, ये किया है कि ऐसे चालू करके बस रख रहे हो? फोन खोल के बस ऐसा दिखा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे चेंज किया। किया बिल्कुल, रिवॉल्व करके निकाल करके चालू था पहले? हाँ। ओके, आपका? आपका भी हो गया? ऐसा तो नहीं सब सारे जो झूठ बोल रहे हैं आप भी झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, ये सही है, एकदम सच बोल रहे हो। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा, लाइफ में पहली बार लगा है। लाइफ में पहली बार के अंदर पहली बार फोन उनकी। अच्छा, कभी ऑन नहीं किया जी सर। अभी एक चालू फोन जी, डर तो नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, बंद हो जाएगा। अच्छा, पहली बार किया है ना मैंने। अच्छा अच्छा, अभी हो गया ऑन जी सर। ओके थैंक यू। आपका क्या हुआ, हुआ ऑन? नहीं, एक बार फिर से ट्राई करिए, हल्का सा प्रेस डाल के उसको पुश करिए, हल्का सा प्रेस डाल के उसको पुश करिए।
मतलब सडनली आगरा कितनी बार कर दिए? दो बार कर दिए सर, 15 मिनट में सर। दो बार, दोनों बार सक्सेस हो गया? बहुत पहले एक घंटा लगता था, एक बार करना। अच्छा, क्या कारण था? अभी दो बार हो गई, 15 मिनट में दो बार कर। ओके, चलिए। इसलिए आया आपका हो गया सर, चालू हो गया। चालू हो गया, फिर से दोबारा कर दिया? दोबारा कर। ओके, आपका चालू हुआ? हाँ सर। फिर से दोबारा कर रहे क्या? हाँ सर, दोबारा। चलिए, आप देख रहे हैं 28 अगस्त का मैच और ये है हमारा अभी थर्ड डे और आज हम कर रहे हैं बैटरी सेक्शन जिसमें आज तक हमारा सुबह का टॉपिक हुआ है बैटरी और उसके साथ में हमारा हुआ है बी बैट और हमारा हुआ है DC to DC IC सर्किट और अभी हमारा चला है BSI एंड बी थर्म जिसमें हमने कुछ प्रेसिंग भी यहाँ पे सीखी हुई है और अभी हमारा सुबह का जो मैच था लाइव आप देखे होंगे, नहीं देखे तो आप देखिए। और डेली के हमारे लाइव जो भी क्लासेस के हमारे जर्नी है वो यूट्यूब पे जा रही है, यूट्यूब पे डेली वीडियो करके तो यूट्यूब पर जाइए, फॉलो कीजिए देवेंद्र अग्रवाल एशिया टेलीकॉम मेरा प्राइवेट पर्सनल चैनल और दूसरा है एशिया टेलीकॉम मोबाइल टेक ग्रुप और हमारी वेबसाइट पर जाना है जो www.eshiatelecom.in एक दूसरी डाटा की वेबसाइट है www.eshiatelecom.mobile.in तो ये हमारी दो वेबसाइट है। इसके अलावा एंड्रॉइड पे जाइएगा तो एशिया टेलीकॉम करके हमारे एप्लीकेशन आएंगे जो हमारे थ्रू बनाए गए हैं और बहुत कुछ मिलेगा आपको एशिया टेलीकॉम पे और खास ऑफर के साथ में कॉल कीजिएगा। तो अगर यहाँ बात करूँ पहले मैं बहुत ही है यहाँ पर
तो ये होता नहीं होता डायोड की तरह से ये कुछ नहीं निकला ठीक है अभी जो भी होना ठीक है अपना लगे जी अभी एक कई साल जी कोई रिस्पांस वाला ये कैसे भाई जी हां ये हो गया यहां पर कुछ भाई जी का बीबी चल रहे हैं आगे चल रहे हैं ऐसा आपको डायोड देख के करना याद रखना ठीक है और सीधे नीचे रजिस्टर लगा हुआ है जो नहीं लगा पहले हटा दो कोई रिपोर्ट था पूरे से रुक गया नहीं पर कुछ रुक गया अनस्टेबल हटा लिया पर बाकी रुक गया कुछ रजिस्टर लगा दो यहां पे कई जो फॉर Thank you, Dasta. Thank you so much.